क्स क्वेश्चन क्वेश्चन अप ऑन हॉरिजोंटल रोड विद एन एक्सलेन ए कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार पहला है अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ अंग इज मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट एंगल विद द वर्टिकल सवाल है फाइंड दिस एंगल दूसरा पार्ट है ब्लॉक इज कैप्ट ऑन द स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन सवाल है फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजोंटल नाउ अच्छा सवाल है स्नेरियो ये है कि यह आपका कंटेनर आ, और इसको ऐसे बना लेते हैं और ये ए एक्सेलेशन से इधर जा रहा है यहाँ पे एक बॉल को आपने लटकाया हुआ था वो बॉल आपकी इस किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे फिक्स्ड हो गई है ठीक है मेंटेनिंग दिस कांस्टेंट एंगल तो अगर हम इसका और हमें थीटा क्या है ये बताना है अगर इसका हम एफ बनाएंगे सो तो ये आपका वर्टिकल या हॉरिजोंटल सो लेट्स से ये आपका एंगल है तो इसका अगर एफ बनाएंगे तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है एम और इसके ऊपर पीछे एक स्टूडो फोर्स लगेगा एम ए ना इसके अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये अगर एंगल थीटा है सो तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा ये एंगल थीटा हो जाएगा और अगर इसका आ, ये डायरेक्शन और बनाएंगे ठीक है सो इस डायरेक्शन में राइट सो right? so, अगर एम जी के कंपोनेंट लेंगे तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और एम जो ये वाला फोर्स आपका एम है उसके अगर हम दो कंपोनेंट लेंगे तो एम का कंपोनेंट आएगा इधर आएगा एम ए साइन थीटा और एम का इस तरफ कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा एम का इधर कंपोनेंट आएगा आपका एम जी साइन थीटा नाउ क्योंकि ये एंगल आपका थीटा कॉन्स्टेंटली मैंटेन्ड है इसका मतलब ये है कि एम ए कॉस् थीटा और एम ई एम जी साइन थीटा ये दोनों बराबर होंगे और यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि टेंशन की कितनी वैल्यू होएगी सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू एम जी थीटा प्लस एम ए साइन थीटा ना हम इस डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम ए कॉस् थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा विच एम्प्लाइज एम कैंसिल हो जाएगा आपका ए डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू टेन थीटा विच एम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय जी ये आपका एंगल आ जाएगा तो ये कांस्टेंट एंगल आपका मैंटेन रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेशन ना सेकेंड स्नैरियो ये है कि यह आपका इसी कंटेनर में ए uh, एक्सेलेशन से इधर जा रहा है आपका कंटेनर इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं सो so, यह आपका कंटेनर है और इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है इसी कंटेनर में आपने एक और इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा हुआ है और उसका एंगल थीटा है उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक ऐसे एम ब्लॉक रखा हुआ है और अगर आपको इस फ्रेम से इसको देखना है तो यहाँ से आपको ये रेस्ट पे दिखेगा ऑफ कोर्स ग्राउंड से अगर देखेंगे ग्राउंड फ्रेम से तो ऑफकोर्स ये दोनों आगे जा रहे हैं बट यहाँ से देखेंगे तो ये आपका इस इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो अगर इस छोटे इस ब्लॉक का अगर हम एफ बी डी बनाएंगे तो इसका एफ बी डी कुछ ऐसे बन सकता है कि ये आपका ब्लॉक नीचे उसका मास एम जी और ये हॉरिजोंटल और वर्टिकल और यहाँ पे आपका एक फ़ोर्स लग रहा है एम ए राइट अलॉन्ग द इनक्लाइन जो इसके फोर्सेज होंगे सो तो ये आपका अलॉन्ग द इनक्न फोर्सेज होंगे अगेन फिर ये आपका एंगल थीटा है ये वाला एंगल थीटा है सो so, ये एंगल थीटा होएगा ये थीटा होएगा ये थीटा होएगा सो इसके कंपोनेंट जो आएंगे इस आ, आपके अलोंग द इंक्लाइन ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका एम जी साइन थीटा और इसका इधर ये कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा राइट और क्योंकि आपका ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे विच एम्प्लाइज एम ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा एम विल गेट कैंसल ए बाय जी विल बी इक्वल टू टेन थीटा विच एम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू टेन इन वर्स ए बाय जी सो दोनों ही केसेज में आपकी थीटा की वैल्यू टेन इन वर्स ए बाय जी हो जाएगी